लाहौर की बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए आई डिसाइडेड टू आस्क माई फ्रेंड्स आउट के क्यों ना अम्ब्रेला वाटरफॉल के लिए निकला जाए एंड दिस वॉज देयर रिएक्शन। वालेकुम अस्सलाम, क्या है? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। यार प्लान बन रहा है और प्लान अम्ब्रेला वाटरफॉल का बन रहा है। जगह बड़ी अनएक्सप्लोर्ड है, ठीक है, बट फिट होगा प्लान। किधर है अम्ब्रेला वाटरफॉल? अम्ब्रेला वाटरफॉल का बन रहा है यार। क्या है वो? रूई नाला है बैरियर टाउन के पीछे, ऑब्वियसली वाटरफॉल है और बड़ी खूबसूरत वाटरफॉल है और ये हवेलियां वाली साइड पे। अच्छा, हाइकिंग है? हाँ हाइकिंग है। जाना कब है? सैटरडे निकलना है। कल सैटरडे है? हाँ इस सैटरडे। पूछ तो लेता है बंदा बुकिंग कराने से पहले। मैंने तुम्हारी बुकिंग करवा दी है अम्ब्रेला वाटरफॉल की और कोई बहाना नहीं चल। मेरे पैसे दिए तुमने? तुम्हारे ही पैसों से मैंने बुकिंग करवाई है। तो जब हम यूनिवर्सिटी में थे ना, तुम्हारा मैंने वॉलेट उठा लिया था, तुम्हारे पैसों से मैंने बुकिंग करवा दी, अल्हम्दुलिल्लाह। यार क्या होता है, कुछ नहीं होता, मिस कराओ, निकलते हैं, बस निकलते हैं। मजाक कर रहा था, मैंने कोई तुम्हारे पैसों से बुकिंग नहीं करवाई, निकलते हैं। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह सैटरडे को। तो जी इस वक्त हम लोग आ चुके हैं PSO के पंप पे आ गए हैं और हमारा जो है ट्रिप शुरू होने वाला है और ये ट्रिप जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसकी दो सीरीज़ होंगी, मैं दो सीरीज़ अपलोड करूँगा और साथ ही अभी हमारा प्लान ये थोड़ा सा कि अभी हमने जाना है अम्ब्रेला वाटरफॉल की तरफ जाना है। तो उधर चलते तकरीबन कोई आई गेस 600 किलोमीटर्स है और लगेंगे तकरीबन कोई 6 से 7 घंटे लगेंगे। तो मेरा इस बार थोड़ा सा पहला टाइम एक्सपीरियंस है टूर वगैरह वालों के साथ, तो लाइक देखते कैसा एक्सपीरियंस गुजरता है। तो साथ रहे, मैं आपको फिर आगे अपडेट करता हूँ। लाहौर से तकरीबन हमारा सफ़र 12 बजे शुरू हुआ और हमारा सफ़र जाके रुका मियाँ जी के रेस्टोरेंट पे। ये रेस्टोरेंट मिड पॉइंट होता है ड्राइवर्स के लिए ताकि वो यहाँ आके चाय पी सकें और अगले 12 घंटे तक के लिए उनके पास इतनी एनर्जी हो कि वो ड्राइव कर सकें। हम लोग रुके हैं एक रेस्टोरेंट पे, रुके हैं टीटी रोड पे और थोड़ा सा रेस्ट करने थे, जब चाय वगैरह भी पीएंगे क्योंकि कल का भी जो दिन था ना नींद नाम की नहीं हुई और अभी भी रात के 2 बजे, तो मतलब जब थोड़ी चाय वगैरह पी के एनर्जी है उससे जो हमारा जो ड्राइवर था वो बस का वो मतलब कि इस तरह चला रहा है कि वो दूसरी गाड़ी में घुस के ब्रेक लगाने का उसका बस नहीं चलता कि वो अंदर घुस के ब्रेक लगाए। तो अभी रुके, नींद तो सारी उड़ चुकी है क्योंकि जब नींद आती है वो उसी वक्त गाड़ी के अंदर घुस के लगाते हैं, तो सारी नींदें उड़ चुकी है। अभी चाय पीते हैं ताकि थोड़ा सा फ्रेश हो, फिर हमारा सफ़र जो है हवेलियाँ तक का शुरू होगा। ड्राइवर अजीब तरीके से गाड़ी चला रहा है, गाने अजीब तरीके के गाने लगे हुए हैं, यकीन करें ऐसे गाने आए। इस वक्त हम लोग आ चुके हैं हवेलियाँ पे आ चुके हैं और अभी हमने करना है नाश्ता जाके करना है क्योंकि सारी रात का जो कल रात का खाया हुआ है वो अभी तक बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो एनर्जी भी चाहिए आगे तक जाने के लिए। तो नेक्स्ट स्टॉप हमारा जो है वो है अम्ब्रेला वाटरफॉल है। अच्छा, मुझे जो है ना अभी एक यूनिक सी बात पता चली है लोकल से। जब मैं यहाँ आया तो मैंने ना थोड़ा सा ऐसे सुना जैसे कि पंजाबी जैसी कोई ज़बान है, तो मैंने लोकल से पूछा तो इनकी लोकल्स की जो ज़बान है उसका नाम है हिंको, पंजाबी से वो मिलती जुलती एक ज़बान है। अच्छा, इस हवेलियाँ की ना ऐसी मतलब कि कोई ख़ास बात है नहीं, लेकिन यहाँ जो मानसहरा है, मानसहरा क्योंकि एक बुद्धिस्ट स्टेट था पहले, तो अभी भी एक रॉक्स वगैरह के उस पर कार्विंग्स हैं जो कि इस भी जगह को दिखाती है कि यह एक बुद्धिस्ट स्टेट रह चुका है। तो अभी चलते हैं नाश्ता करते क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। वहाँ चलते हैं, वहाँ ट्रैक करते हैं, देखते हैं ट्रैक कैसा गुजरता है। सुनने में तो आ रहा है बहुत मुश्किल ट्रैक है। पूना विलेज जाने के लिए आपको एबटाबाद बाईपास से गुजरना पड़ता है और अभी आपके लक पे डिपेंड करता है कि अगर आपको यहाँ रश मिल गया तो हो सकता है आपको सारा दिन यहाँ फंसे रहना पड़ जाए।
इस पॉइंट पे जो था ना बहुत नाजुक सूरत आती, इसकी वजह ये थी कि जो आपको जो पहुंचते हैं ना हवेलियां से आगे सिटी कोर्ट तक का जो पूना विलेज जो बेसिकली है वहां तक का जो रास्ता है ना वो थोड़ा खतरनाक रास्ता है। मींस के वहां की जो रोड है वो लाइक न्यू यू कर्व करती हुई जा रही होती है। अच्छा हम लोगों को एक बारी आदत थी, मतलब कि मैं जाता रहा गाड़ी वगैरह पे तो यार आपने ना कट जो होता है वो मोड़ना होता है, थोड़ा सा आपने स्लो मोड़ना होता है आगे देख के। लेकिन जो हमारा माशाल्लाह से जो ड्राइवर जो था हमारा, वो तो मैं कहता हूँ वो टोक्यो ड्रिफ्ट उसने समझा हुआ था। उसने अपनी बस को और वो बस को किसी अपनी लैम्बोर्गिनी वगैरह से कम नहीं समझ रहा था। वो लिटरली वो 60-70 की स्पीड पे उसने कट मोड़ा और मैंने कहा यार नहीं इस तरह नहीं, मैंने कहा आज हम गए। हवेलियां से होते हुए हम लोग फाइनली पूना विलेज पहुंच गए जहां से हमारा असल ट्रैक शुरू होता है। तो हमारी जो हाइकिंग है वो शुरू हो चुकी है और आई गेस अभी तक तो थोड़ी नॉर्मल लग रही है, लेकिन नीचे का यही कहते हैं कि नीचे थोड़ा स्टीप है और रोप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए हमारे पास दो रास्ते, एक रास्ता है उन लोगों के लिए जो जिनसे हाइकिंग नहीं हो सकती और दूसरा रास्ता उनके लिए जिनसे हाइकिंग हो सकती है और वो एडवेंचर करना चाहते हैं। तो मुझे थोड़ा सा स्टीप लग रहा है, ये 90 डिग्री ज़्यादा है, तो देखते हैं कि इस तो किस तरह कट पाते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा कि मैं यहाँ गिर गया था और इसकी मेन रीजन ये थी कि जो जगह जो है इसके स्लोप बहुत ज्यादा है और जब आप डिसेंड कर रहे होते हैं तो ये तो खैर मैं हैरान इस बात पे था कि बारिश वगैरह वाले मौसम में तो चलो मान लिया जाता है कि बारिश जब होती है तो वो बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है ज्यादा पानी आता है। इस तरह होता है कि जब बारिश होती है ना तो मिट्टी खिसक जाती है, जो वो मिट्टी खिसकती है ना तो वो स्लिपरी हो जाता है। लेकिन इस पॉइंट पे आज वाले दिन में तो लाइक धूप थी और फिर भी हो ये रहा था। असल में मेरे एक हाथ में होता था कैमरा और जब मैं नीचे डिसेंड करता था तो मुझे अब समझ नहीं आती थी, पत्थर नजर नहीं आ रहा, अब मैं पैर रखूँ तो किधर रखूँ। उसमें क्या हुआ, 2-3 पॉइंट्स पे लाइक मेरा पैर स्लिप किया और मैं नीचे गिरा हूँ। और जिस तरीके से अभी वाली आपने फुटेज देखी, मैं इस तरीके से नीचे गिरा हूँ और यहाँ की मिट्टी बहुत स्लिपरी। और आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप लोग लोकल्स की कभी बातों में ना आए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है कि उन्होंने हमसे ये कहा कि सिर्फ 15 से 20 मिनट का ट्रैक है और कोई मसला नहीं है, इजीली चले जाओगे। लेकिन जब हम उतरना शुरू हुए तो लाइक हमें जब नीचे पहुंचा हूँ ना तो मैंने टाइम जब नोट किया तो 40 से 45 मिनट लगे और आई वॉज लाइक कि यार वो तो मुझे 15 से 20 मिनट कह रहा था। और जैसे आप देख सकते हैं हमारे सामने लोकल्स जा रहे हैं भागते हुए, इनके लिए कोई मसले वाली बात नहीं है क्योंकि इनका डेली रूटीन है, लेकिन हम जैसे जो कि शहरों से जाते हैं हमें लग पता जाता है। तो मैंने कुछ लोगों से पूछा जो कि ऊपर आ रहे थे, असेंड कर रहे थे ऊपर, मैंने उनसे पूछा कि आपका एक्सपीरियंस किस तरह रहा, क्योंकि होता है इस तरह कि डिसेंड करना तो नॉर्मली आसान होता है लेकिन असेंड में आपको लग पता जाता है। तो उन्होंने तो मेरा खवास बहुत ताकत दिया। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे यहाँ ये मतलब था मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी, उसकी वजह ये थी वो डरा बहुत ज्यादा रहे थे, कह रहे थे नीचे चले जाओगे ऊपर नहीं आ पाओगे, ऊपर किस तरह आओगे, घोड़े वाला कुछ नहीं है, ये वाला सीन क्या होगा।
मैंने कहा यार अभी मैंने 50% कवर किया, लेकिन मैंने पूरा कवर करने दो, ऐसा मैं नीचे जाके तो चेक करूं कि ऐसी क्या बात है कि आप वापस ऊपर नहीं आ सकते। बहुत आसान है भाई आना, बहुत मुश्किल है। तो आप डरा रहे हो हमें बेसिक लेके? हाँ कि ना इसने, इसने तो अंत कर दिया ना यहाँ पर आना, एंजॉय किया, लेकिन ये मजा नीचे जाके रहने जाने का बहुत वीआईपी। नहीं देखो हम तो ना जाना थक जाओगे। आप अभी 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 हमने आधा रास्ता क्रॉस किया और अभी आधा रहता है हमारा, और इन्होंने अभी से डराना शुरू कर दिया। नहीं नहीं डराने की बात नहीं है, एंजॉयमेंट आप जाएगी जितनी वो खत्म हो जाएगी आपकी, लेकिन सांस भी तो लेना ना। हाँ 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 चलो देखते, थैंक यू। ये हमें यहाँ पानी वगैरह पिला रहे हैं, तो वो बेसिकली वो रही सामने वाटरफॉल, और अभी हमने जो है उसको कवर भी करना है। देखने में शायद ये पास लग रही हो, लेकिन अभी बहुत दूर है, तकरीबन मुझे जो लगता है वो आधा घंटा हमें इसको लगेगा नीचे तक जाने में। यार आप लोगों का कैसा रहा, मतलब कि एक्सपीरियंस आप बताओ ना। अभी तो मैं कहता हूँ अभी तो आधा भी जो है वो कवर नहीं हुआ, मेरे तो फिर मैं कहता हूँ आप लोग ऑर्थराइटिस हो गया मुझे। आप लोग ना ही जाओ, क्योंकि नीचे से ऊपर जाना भी फिर मुश्किल काम है। कोई बात नहीं, हमें तो करना है, हम करके जाएंगे। ओहो इनको इनको बता दे बता दे, मैं भी गिर गया। ऐसे ही नेक्स्ट इंटरव्यू वाली चुनी आ रही है यार, कहीं आउटसाइड चले जाओ। वो चढ़ गया, खुद घूम फिर के आ गया। तो सुबह 7 बजे ये हमारा टूर गाइड जो है वो सबसे आगे है, सबको छोड़ के सबसे आगे है। अब जब जब हमने इतने करीब आ गए हैं वाटरफॉल के, तो बस अब इसको छोड़ नहीं सकते ना, वापस जा सकते पीछे देख के, नीचे उतर के ही रहना है। अभी जब आप पुना विलेज से हाइक स्टार्ट करते हैं डाउनवर्ड, तो ये काफी स्टीप हाइकिंग है और बहुत इंजॉयफुल भी है, तो आप नीचे से ये व्यू देखेंगे, लेकिन जो मेन व्यू हम आपको दिखाते हैं वो उस साइड पे, यू कैन सी वो आप थोड़ा सा देख सकते हैं, लेकिन अब जब आप नीचे जाएंगे उस साइड पे जाके आपको मेन व्यू जो कि आप हमारे पोस्टर्स में या वीडियोस में देखते हैं आपको वहां पे मिलेगा इंशाल्लाह। हमारे कैमरामैन आपको दिखाते हैं, कंटिन्यू करें आप, लिटिल बिट एडवेंचर। बैठ जाओ, मत करो देखते गला। चोट ना लगवा लीजिएगा, आप हमारे मोटिवेशनल हो, स्पीकर हो जी। तो अम्ब्रेला वाटरफॉल में नीचे आने के लिए दो रास्ते हैं, एक रास्ता वो थोड़ा सा लंबा है, ये स्टीप है बट बहुत ज़्यादा शॉर्टकट है। जब आप यहाँ से नीचे आ जाते हैं तो आपको जो है यहाँ से क्लाइंबिंग करना पड़ती है, थोड़ी सी क्लाइंबिंग बाय द रोप, एंड इसकी जो है वो यहाँ पे 30 रुपीज़ वैसे भी चार्जेस हैं, ये भी आपको बता दीजिए। दूसरा ये जो है ना, ये यहाँ से क्लाइंब करके जाते हैं हमारे क्लाइंट्स, तो फिर ये नीचे पहुँचते हैं। अभी यहाँ से आपको इसका सीनिक व्यू नज़र नहीं आएगा, इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाते हैं। Go look at me. So, हम लोग नीचे जो थे वो पहुंच गए किसी तरह, अपनी जान मार वगैरह के हम लोग नीचे पहुंच गए, और ट्रस्ट मी जो कहते हैं ना यार, मैं किस तरह कहूं, मतलब कि मैं एक लफ्जों में किस तरह बयान करूं, जो मेरा मतलब कि पहला जो मैंने उसके जो मेरा वॉटरफॉल का व्यू आया ना, मैंने कहा यार मतलब कि यार पैसे पूरे हो गए, मतलब कि सारी थकान दूर हो गई। उसकी वजह ये थी जो मतलब कि पूरी वॉटरफॉल थी उससे एक तो सबसे पहला देखे जो एक फर्स्ट इंप्रेशन आता है, अगर हमने वो किंग कॉन्ग वाली मूवी देखी हो तो उसमें वो वाली एक ना थोड़ी सी उसकी वाइब आ रही थी कि पीछे से भी किंग कॉन्ग निकल के आ जाएगा, और मतलब कि वो बहुत मैजेस्टिक सी फील थी। तो वहां जो थे लोग थोड़े ज्यादा थे, तो मैं नीचे जो था किसी तरह मैं कर कर आके तो पहुंच गया था। आखिरी जो पोर्शन हमें जो मिला वो आखिरी पोर्शन इतना स्टीप था, लाइक वो यू सीधा 90 डिग्रीज या आप 80 डिग्रीज कह सकते, 80 या 70 डिग्रीज कह सकते कि वो स्लोप था।
उसमें रोप्स बंधी हुई थी और रोप से आपने होते हुए आपने नीचे आना होता था, फिर आपको जाके ये वाला व्यू मिलता था जो कि वर्थ इट था। थोड़ी देर अब आपको मैं यहाँ एक स्टोरी और बताता चलूं। मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं वहां मैं व्यू एंजॉय कर रहा था और एक वक्त मुझे लाइक इतनी जोर की आवाज आई, लाइक जिस तरह होता है ना कि आप काफी हाइट वाली पर से हाइट से आप कोई चीज गिरा दो तो एक दुब करके आवाज आती है, वही मुझे एक आवाज आई। जब मैंने उधर देखा तो लोग चीखने लगे, लोग चीखे और लोग एक एक तरफ भागने लगे, एक मतलब के पूरा एक 20-30 लोग भागे एक तरफ। अब जब पता लगा तो पता ये लगा कि एक बंदा ऊपर से नीचे गिरा है, तकरीबन कोई 20 मीटर की हाइट से या 30 मीटर की हाइट से नीचे गिरा है। और वो वही हुआ जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि मिट्टी बहुत स्लिपरी थी, आपका एक गलत कदम और आप नीचे हो, क्योंकि बहुत डेंजरस ट्रैक था, साइड पे खाई थी। वो बंदा नीचे गिरा और उसका सर फट गया था और सर फट गया, उसके अलावा उसके घुटने जो थे उन पे चोट आ गई। तो ये चीज देख के ना एक तरफ मैं खुश था, मतलब ये वो देख के वॉटरफॉल, एक तरफ मैंने ये देख लिया, मैंने कहा यार अब मैंने वापिस भी जाना है ऊपर। मैं वहां खड़ा हुआ सोच रहा हूँ, मैंने अमरेस को कहा अमरेस यार उस बेचारे को चोट लग गई, लेकिन अभी अब जब हम ऊपर देखे यार अभी तो पूरा पहाड़ पड़ा है, पूरा पहाड़ पड़ा है, ऊपर से आए नीचे, उन्हें ऊपर पूरा पहाड़ भी क्रॉस करना। अभी भी जो है वो आधा पहाड़ पड़ा हुआ है और हमने उसको चढ़ते हुए जाना है और हम लोग नीचे से ऑलमोस्ट आ गए, जीरो से शुरू किया था और ऊपर 7,500 फीट तक ऊपर जाना है। चढ़ के रहेंगे ऊपर। उसी के साथ हमारा आज का एपिसोड 1 कंप्लीट होता है और यकीन करें ये जो था ना ये किसी मिशन से सक्सेसफुल होने से कम कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ वापस पहुँच के ना ऐसा लग रहा है जैसे मिशन सक्सेसफुल हो गया। इस फीलिंग को ना शायद आप लोगों के लिए इतना फील ना हो, लेकिन ये मेरे लिए और अब्रेज के लिए जो कि अभी कैमरा के बिहाइंड है उसके लिए एक बड़ी बात थी। अब्रेज अब इधर आओ, बल्कि तुम बताओगे क्या सीन था। ये एक एडवेंचर था, लाइफ का एक्सपीरियंस था, लेकिन दोबारा कभी नहीं करेंगे। ये बेसिकली हम लोग वहाँ से नीचे से शुरू किया था और ये हम लोग ने आधा पहाड़ लिटरली क्रॉस करके हम लोग अब ऊपर तक आ गए। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपके अंदर स्टेमिना है तो ये ट्राई करें अम्ब्रेला वाटरफॉल, वरना ये बस की बात नहीं है, बहुत स्टीप है, कुछ पॉइंट्स पे 90 डिग्री स्टीप हो जाता है। और उसमें अभी हमारे सामने ये सीन हुआ है कि एक बंदा ऊपर से स्लिप होकर नीचे गिरा है और उसका सर फट गया था। तो यकीन करें ये सिर्फ स्टेमिना या मोटिवेशन वगैरह कुछ कह लें कि मोटिवेशन ही कह सकते इसको, कि नीचे से ऊपर आने में मदद थी, वरना यकीन करें कोई हिम्मत नहीं थी, कोई हिम्मत। बीच में 3-4 जगहों पे तो बैठ के मतलब कि बस हो गई, हमने कहा यार नहीं जा सकते छोड़ो बस, लेकिन फाइनली वी मेड इट। और इसी के साथ अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब करिएगा, इस व्लॉग में बहुत मेहनत लगी है और मतलब कि थक गए हैं इसमें। तो अच्छा जो सेकंड पार्ट है ना वो सेकंड पार्ट इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो आपने उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना है, मैं उसको जल्दी अपलोड करूँगा, तो आप वो ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।